हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने टेम्परेचर टॉपिक पढ़ा था, उसी श्रृंखला में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है अपना हीट। हीट मतलब ऊष्मा। और रेलवे के एग्जाम में इसी टॉपिक में से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उस न्यूमेरिकल को समझने से पहले अपन दो चीजें पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी है। तो पहली तो आती है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, मैंने आपको कुछ जल दिया और ये कहा कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको गर्म करना है। कहाँ तक? जैसे हमारे पास कोई जल है, उसको गर्म करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसको गर्म करने में जिस ऊष्मा की हमें ज़रूरत होगी या जितनी ऊष्मा की मात्रा हमें चाहिए, उसको क्या बोलेंगे अपन? विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहेंगे। जैसे सिंपल से इसकी डेफिनेशन होती है कि अवस्था परिवर्तन किए बिना तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। अब देखो, हमने क्या किया, हमारे पास जल था और जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। तो देखो, एक चीज समझो, जब अपन टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैंने एक लाइन खींची यहाँ पे मेरा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो, जब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इस तरफ आता हूँ तो क्या है? बर्फ, मतलब ठोस। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या है? जल, मतलब तरल। और जब मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के उस तरफ जाता हूं तो ये किस में बदल जाता है? वाष्प में। तो यहां पे अपने को तीन तरह की अवस्थाएं देखने को मिलती है, ठोस, द्रव और गैस। देखो, जब अपन जल को गर्म करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है और उसको आप गर्म करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट बर्फ से क्या बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा। पहले वो बर्फ से किस में चलेगा? जल में। और फिर जल में जाके वो किस में बदलेगा? जल वाष्प में बदलेगा। और इसी प्रोसीजर के बीच में आती है विशिष्ट ऊष्मा धारिता और गुप्त ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता के बारे में अपन ने क्या सीखा कि अवस्था परिवर्तन किए बिना तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। देखो, जैसे अपन समझ सकते हैं इस चीज को, मेरे पास ये कोई बर्तन है, इसमें जल है मेरे पास, कितना कुछ भी मात्रा हो सकती है, मैंने मान लिया 5 ग्राम, और उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मैंने कहा कि इसको गर्म करना है। और कहाँ तक करना है उसकी भी मैंने एक लिमिट रख दी कि इसको मेरे को गर्म करना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जब मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाऊंगा तो रहेगा क्या ही? जल ही रहेगा, क्योंकि 0 से 100 के बीच में क्या रहेगा? जल रहेगा। जब 100 से ऊपर जाते हैं तो ये जल किस में बदल जाता है? जल वाष्प में। तो मैंने क्या किया, एक गैस ऑन किया नीचे और गैस से इसका टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया? 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया।
तो इस कंडीशन में गैस से जो निकली ऊष्मा, उस ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अब देखो इससे थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अवस्था परिवर्तन किए बिना, मतलब जल है, यहाँ पे भी जल है, मतलब अवस्थाएं क्या है, सेम है, दोनों क्या है, लिक्विड है, तरल है। और मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, और उसी कंडीशन में जो इतनी अपने को ऊष्मा चाहिए, उसी ऊष्मा की मात्रा को अपन क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहेंगे। अब इसकी फॉर्मूले की बात आती है, जो न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे पास एम द्रव्यमान वाला जल है, उसका तापमान थीटा बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। तो देखो इस कंडीशन में जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो होती है क्यू बराबर एम एस थीटा, ठीक है। यहां पे ये क्यू क्या है, दी गई ऊष्मा, मतलब जो ऊष्मा इसको दी जाएगी किस काम के लिए, थीटा तापमान बढ़ाने के लिए। एम क्या है, द्रव्यमान, और ये एस क्या है, ये ऐसी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ठीक है। और थीटा क्या है, तापमान का अंतर। तो देखो मेनली तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ता है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता के केस में जितने भी न्यूमेरिकल अपन हल करते हैं उनके अंदर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्यू बराबर एम एस थीटा। थीटा क्या है, तापमान का अंतर, तुम्हें टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, मैंने कहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हें तापमान बढ़ाना है, तो क्या होगा थीटा, 40 डिग्री अंतर। एस क्या होगा, एस का मान जल और बर्फ के केस के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग होता है। एम क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी राशि है जिसका मान कहीं पे नहीं बदलता है, तो यही द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान का मान चांद पे भी वही रहेगा, कोई चीज जितना स्थान घेरती है ना उसको कहीं पे भी ले जाओ वही उतना ही स्थान घेरेगी, तो ये एकमात्र ऐसी राशि है जिसका मान कहीं पे भी नहीं बदलता है। क्यों, वो ऊष्मा होगी जो अपने को चाहिए ये काम करने के लिए। अब देखो ऊपर लिख देता हूं एस का मान, पहले यहां से एस का फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखो ये नोट कर लिया होगा, क्यू बराबर क्या होता है, एम एस थीटा। आगे चलते हैं, क्यू बराबर एम एस थीटा, ये तो क्या हो गई, दी गई ऊष्मा, जितनी ऊष्मा अपने को चाहिए। और ये एस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, यहां से अपन इसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एम थीटा, यह विशिष्ट ऊष्मा धारिता का सूत्र निकल के आ गया। अब बात करते हैं मात्रक की। तो देखो नॉर्मली जब भी मात्रकों की बात आते हैं सभी क्या करते हैं, उनको याद करने की या रटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर खूब सारे मात्रक हैं, अपन सबको याद करके नहीं रख सकते। इसलिए नॉर्मली मात्रकों के केस में क्या करना चाहिए, जिसको फॉर्मूला याद है वो मात्रक बना सकता है। जैसे मैं बात करता हूं, ये क्या है अपनी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, और अपन निकालते हैं इसके मात्रक। देखो इधर मैं लिखूंगा ऐसा ही मात्रक और इधर लिखूंगा सीजीएस मात्रक। ऊष्मा क्यों क्या है, दी गई ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, बटे
द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, एम क्या है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है गुणा थीटा। ये थीटा अपन ने पीछे क्या लिखा था, तापमान का अंतर, मतलब ये एक तरह का क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक अपन ने पिछली क्लास में देखा था क्या होता है, केल्विन होता है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल बटे केजी इंटू केल्विन। ये या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, और दूसरा किस तरीके से लिखा हुआ आता है, इसी चीज को कैसे लिखते हैं, जूल इंटू केजी की पावर माइनस वन इंटू के की पावर माइनस वन, क्योंकि नीचे से ये ऊपर जाते हैं तो घात किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। अब बात करते हैं सीजीएस मात्रक की। तो देखो विशिष्ट ऊष्माधारिता का सीजीएस मात्रक, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अपन ने पहले पढ़ा था, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, बटे द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है, और तापमान का सीजीएस मात्रक, टेम्परेचर का सीजीएस मात्रक सी, सी से अपन ने पिछली क्लास में क्या याद किया था, डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह विशिष्ट ऊष्माधारिता का क्या हो गया, सीजीएस मात्रक हो गया, और ये क्या हो गया, एसआई मात्रक। अब इनको अपन रटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठेंगे, लेकिन जब अपने को एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होता है तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डायरेक्ट द्रव्यमान का अपने को मात्रक पता था कि एसआई मात्रक केजी होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। थीटा लिखा था टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊष्मा का अपन ने मात्रक देखा ही था कि क्या होता है, जूल होता है और कैलोरी होता है, एसआई मात्रक जूल, और ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। अब देखो ये अपन के दोनों मात्रक निकल के आ गए। अब इस S का मान जब अपन न्यूमेरिकल हल करते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है, कौन कौन सा, देखो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, दूसरी किसकी होगी, जल के अलावा बर्फ की, बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो जल के केस में विशिष्ट ऊष्माधारिता का स्टैंडर्ड या मानक मान होता है 4200 जूल बटे केजी इंटू केल्विन, ठीक है। और बर्फ के केस में क्या होता है, इसका आधा कितना, 2100 जूल बटे केजी इंटू केल्विन। ये तो किस केस में होता है, जब अपने को टेम्परेचर केल्विन में दिया हो और द्रव्यमान केजी में दिया हो, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तापमान सेंटीग्रेड में दिया हो तो उस केस में इनके अलग अलग मान होते हैं। देखो इसी के मान हो जाते हैं 1 कैलोरी बट्टे ग्राम इंटू सेंटीग्रेड, और 1 का आधा 1/2 कैलोरी इंटू ग्राम इंटू सेंटीग्रेड। तो देखो अपन ने सिंपल सी बातें सीखी, पहली चीज तो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती क्या है, अपने को टेम्परेचर बढ़ाना है, अपने पास जल था उसको गर्म करना है, सपोज करो उसको गर्म करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस कंडीशन में अपने को जो ऊष्मा चाहिए उसी ऊष्मा की मात्रा को अपन क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहेंगे। विशिष्ट ऊष्माधारिता का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों बराबर एम एस थीटा, एम क्या है वहां पे, द्रव्यमान है, एस क्या है विशिष्ट ऊष्माधारिता है, क्यों क्या है दी गई ऊष्मा है, और थीटा क्या है तापमान का अंतर। ये क्या आ गई अपने दोनों के मात्रक आ गए, और इनका स्टैंडर्ड मान फिक्स क्या होता है 4200। तो किस केस में होता है, जब अपने ऑप्शन जूल में दिए हुए हो तब अपन क्या लेंगे 4200, और जब अपने ऑप्शन आंसर आ रहा है अपना न्यूमेरिकल का और उसके ऑप्शन अपने कैलोरी में दिए हुए हैं तो अपन कौन से मान लेंगे 1 और आधा। नॉर्मली यही काम आते हैं, ये 4200 और 2100 वाले न्यूमेरिकल पोर्शन में काम नहीं आते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। अब देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन,
एक क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित, जो रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम में पहले पूछा गया भी है और पूछा भी जाता है। तो लिखो क्वेश्चन, पांच ग्राम जल का तापमान दस डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। अब इसके ऑप्शन दिए मैं अपने को, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। 50 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऐसा सेम का सेम क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस कंडीशन में पता हमें लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, विशिष्ट ऊष्माधारिता का लगाएं या इससे आगे अपन एक और पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा उसका लगाएं। तो देखो सिंपल सा चीजों को समझना स्टार्ट करो। हमारे पास क्या है, जल है, ये रहा जल, ठीक है। कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है। कितने डिग्री तापमान पे है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे है। और इसको क्या करना है, गरम करना है, ये कर दिया गरम, ठीक है। गरम करने के बाद में इसका तापमान कितना रखना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और द्रव्यमान एकमात्र ऐसी राशि होती है जिसका मान कहीं पे बदलता नहीं है, मतलब ये रहेगा कितना, उतना का उतना ही, 5 ग्राम, ठीक है। अब देखो, और 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन जाएंगे तब रहेगा क्या, जल ही रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तो क्या होती है, जलवाष्प होती है, और 0 से पहले क्या होती है, बर्फ होती है। लेकिन उतना आगे तो अपन गए ही नहीं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है क्या अपना, ये जल ही है। तो मतलब अवस्था सेम है और अपन क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या आता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता, जो अपने को ऊष्मा चाहिए वो क्या होती है, क्यू बराबर एम एस थीटा। एम क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 ग्राम। एस का मान, ये क्या है अपना जल, और जब तुम्हारे कैलोरी के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं तो एस का मान जल के लिए क्या होता है, 1, और जूल के अंदर 4200। तो एस का मान क्या है, 1, और थीटा का मान कितना है, टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 10 से 20, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया 10, ये कितना निकल के आया, 50 कैलोरी, और यही अपना आंसर है। तो ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल रेलवे में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन की रेलवे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको अपन साथ साथ तैयार करेंगे, उसके बाद अपन बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अब देखो इससे आगे चलते हैं, इससे आगे इसी में एक चीज और आती है, उसका नाम है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। ये क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता में तो अपन ने क्या किया था, उसके अंदर क्या रखा था, अपन ने तापमान को तो बढ़ाया था, तापमान को क्या किया था, बढ़ाया था, और अवस्था में क्या किया था, कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। ये तो क्या थी अपनी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और एक केस ऐसा होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, तापमान तो रखते हैं नियत, मतलब कांस्टेंट, मतलब तापमान नियत रखकर अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है।
ये जस्ट उसका उल्टा है। उसके अंदर तो क्या किया था, उसमें अपन ने क्या किया था, तापमान को बढ़ाया था और अवस्था क्या रखी थी, समान रखी थी। और गुप्त ऊष्मा में क्या कर रहे हैं, तापमान को तो क्या कर रहे हैं अपन, नियत रख रहे हैं, मतलब स्थिर रख रहे हैं, और अवस्था में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। और उसके लिए जो अपने को ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा की मात्रा होगी, वो क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्यू बराबर एम एल, ठीक है। अगर अपने को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ को जल में बदलना हो, तो अपने को जो ऊष्मा चाहिए उस ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, Q बराबर एम एल। यहाँ पे Q क्या है, दी गई ऊष्मा, M क्या है, द्रव्यमान, और ये L क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ से L का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, L बराबर Q बटा M। अब अपन करते हैं मात्रक की बात। तो देखो, इससे पहले अपन ने क्या सीखा था, दो तरह के मात्रक निकल के आएंगे, एक तो SI और एक CGS। अब देखो ऊपर क्या है, क्यों, और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो जूल बटे, और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी होता है। ऐसे ही जब CGS मात्रक की बात करते हैं, ये मात्रक किसके पढ़ रहे हैं अपन, गुप्त ऊष्मा के पढ़ रहे हैं। तो L Q का CGS मात्रक, मतलब ऊष्मा का CGS मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, और द्रव्यमान का CGS मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। तो इसी तरीके से अपने किसके मात्रक तैयार हो गए, गुप्त ऊष्मा के दो मात्रक तैयार हो गए। अब इस L का मान भी जल के केस में और बर्फ के केस में दोनों में अलग अलग होंगे, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो वो न्यूमेरिकल में काम आएंगे। जैसे अपन ने S के दो मान देखे थे, S के दो मान कौन कौन से होते हैं, 4200 जूल के अंदर, ठीक है, और 2100 बर्फ के केस के अंदर। जैसे ही एक कैलोरी किसके केस में, जल के केस में, और आधा कैलोरी किसके केस में, बर्फ के केस में, वो किसके मान थे, S के मान थे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता के मान थे। अब देखो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, फिक्स मान है ये, कितना होता है, 80, और 80 किस में, कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम। और ऐसे ही जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 540 कैलोरी पर ग्राम। अब न्यूमेरिकल हल करने के लिए नॉर्मली ये दोनों ही काम आते हैं, जूल वाले मान नहीं काम आते हैं, फिर भी कई बच्चों के दिमाग में आ गया कि वो लिखवाए नहीं है, तो वो भी याद रख सकते हैं। देखो ये तो थे कैलोरी के केस में, और जब जूल की बात करते हैं तो बर्फ के केस में इसका मान होता है 3.36 × 10^5 जूल बाई केजी, और जल के वाष्पन के केस में गुप्त ऊष्मा का मान होता है 22.6 × 10^5 जूल बाई केजी। ये आपको नहीं ध्यान में रखने हैं, आज तक कभी भी नहीं हुआ है किसी एग्जाम में ये मान पूछे गए हैं या फिर इनसे संबंधित कोई न्यूमेरिकल आया है। नॉर्मली यही काम आते हैं कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन 80 कैलोरी बाई ग्राम, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 540 कैलोरी बाई ग्राम। और इसी गुप्त ऊष्मा की वजह से ही अपने को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ अधिक ठंडी महसूस होती है। और एक और क्वेश्चन यहीं से, देखो आपने देखा होगा जब आप रोटी पकाते हो तो रोटी की जो वाष्प निकलती है उससे हाथ तेजी से जलता है, क्यों, क्योंकि जो वाष्प होती है, वाष्प के अंदर क्या पाई जाती है, गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, और वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती कितनी है, 540 कैलोरी ग्राम। जैसे उसका एक क्वेश्चन देखा था, अपन इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक साथ में क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर सारा ये गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता सारा एक साथ ही, दिमाग के अंदर जितने भी कंफ्यूजन है सारे एक साथ ही क्लियर
हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम बर्फ को पूरी तरह पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ये ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, अपने को तापमान नहीं दिया हुआ, और जब ऐसी कंडीशन में अपने को तापमान नहीं दिया हुआ होता है, अपने को ये मानना पड़ता है कि अपने पास बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसको पूरी तरह पिघालना है, मतलब आगे का टेम्परेचर भी नहीं दिया कि उसको कितना पिघालना है, कितने डिग्री टेम्परेचर तक ले जाना है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ है, और कितनी है, 5 ग्राम बर्फ है, और इसको क्या करना है, पिघालना है, मतलब जल में बदलना है। और जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल भी होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो जल आ जाता है, और कितना, 5 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान एकमात्र एक सी राशि है जिसका मान कहीं पे भी नहीं बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस कंडीशन में यहाँ पे तुम देखने की कोशिश करो कि तुम्हारा तापमान क्या है, समान है, और अवस्था क्या हो रही है, बदल रही है। किस में बदल रही है, इधर बर्फ क्या है, ठोस है, और इधर क्या है, जल है, क्या है, तरल है। तो दोनों तरफ क्या हो रही है, अवस्था बदल रही है और तापमान कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, गुप्त ऊष्मा का, क्यों बराबर एम एल। एम का मान कितना है, 5 ग्राम, और जब ग्राम के अंदर रहता है तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब एल का मान कितना लेते हैं अपन, 80, तो 8 × 5 = 40, यहां पे क्या आ गया, 400 कैलोरी, यही क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित अपन एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर विशिष्ट ऊष्माधारिता भी आ जाएगी, गुप्त ऊष्मा भी आ जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले सारी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहले ही पहले अपन ने क्या जाना, ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा के दो तरह के मात्रक होते हैं, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। उसके बाद अपन ने जाना विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है, अगर अपने को अवस्था समान रखकर तापमान को बढ़ाना हो तो जितनी ऊष्मा अपने को चाहिए उसी को अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यों बराबर एम एस थीटा। ठीक है, तुम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, देखो तुमने दो फॉर्मूले याद किए, एम एस थीटा, क्यों बराबर एम एल। ये थीटा क्या है, तापमान का अंतर। तो यहाँ पे कहीं तुम्हें अंतर दिख रहा है क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई अंतर नहीं है। तो भूल के तुम यहाँ पे ये फॉर्मूला एडजस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, न्यूमेरिकल का एक ही रूल है कि आपको फॉर्मूला सेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये क्यों बराबर एम एस थीटा यहाँ पे लग ही नहीं सकता, यहाँ पे क्या लगेगा, क्यों बराबर एम एल ही लगेगा। तो मतलब यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा धारिता आ ही नहीं सकती, क्या आएगी, गुप्त ऊष्मा ही आएगी। फिर अपन ने क्या जाना था, इसका मान जाना था, इसके मात्रक जाने थे, फिर अपन आ गए थे गुप्त ऊष्मा पे। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अवस्था को परिवर्तन करना है और तापमान को क्या रखना है, नियत रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, क्यों बराबर एम एल, और इसी से एल का फॉर्मूला निकलेगा, और उसी से क्या निकलेंगे, उसके मात्रक निकलेंगे। इसका मान कितना होता है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी बाई ग्राम, जल के वाष्पन की 540 कैलोरी पर ग्राम। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन अपनी क्लास का एंड करेंगे। देखो ये सारी जानकारी साथ साथ नोट कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस टॉपिक से संबंधित एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। पीछे के सेट उठा के देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो। अब देखो क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें कंप्लीट एक क्वेश्चन के अंदर सारी प्रोसीजर आएगी। देखो -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ को
100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जल वाष्प में बदलने के लिए कुल कितनी ऊष्मा चाहिए? क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी आ जाएगी और गुप्त ऊष्मा भी आ जाएगी। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप समझना इस क्वेश्चन को। अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं, वो और वही अपनी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है। देखो, यहाँ पे क्या है अपने पास, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और है क्या, बर्फ है, और कितनी है, 5 ग्राम है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बर्फ डायरेक्ट अपन गर्म करेंगे और सीधी भाप बन जाएगी, नहीं बन सकती, एक स्टेप बाय स्टेप जाएगी। पहले ये बर्फ किसमें बदलेगी, ये बदलेगी, इसका टेम्परेचर गिरता हुआ आगे की तरफ आएगा, और ये बदलेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ में, ठीक है। और द्रव्यमान कितना रहेगा, उतना को उतना, 5 ग्राम। ये पहली स्टेप हो गई। अब ये बर्फ है, ये बर्फ से किसमें बदलेगी, जल में बदलेगी। ये लो, बदल दिया अपन ने जल में, और जल का टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव्यमान कितना रहेगा, वही 5 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान तो एकमात्र ऐसी राशि है जिसका मान कहीं पे भी बदलता नहीं। अब ये कहाँ तक गर्म होगा, ये पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा अपना, जल, और इसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द्रव्यमान कितना, 5 ग्राम। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेज आएगी, जैसे ही ये जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, तो फिर ये जल वाष्प में बदलेगा। ये बदल गया किस में, जल वाष्प में, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द्रव्यमान कितना, 5 ग्राम। इतनी स्टेज से जब ये गुजरेगा, तब जाके जो अपने पास ये 5 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा है, ये किस में बदलेगा, जल वाष्प में बदलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में टुकड़ों में आ जाते हैं, या फिर सीधा भी कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो अपनी एग्जाम पे डिपेंड करता है कि अपन किस लेवल की एग्जाम दे रहे हैं। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है, बर्फ, मतलब अवस्था क्या है, समान है, और तापमान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या आती है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, मतलब क्यू बराबर एम एस थीटा। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे सेट होगा। तो देखो, यहाँ पे क्या है, बर्फ से क्या हुआ, जल, और तापमान क्या है, स्थिर, मतलब अवस्था बदल रही है, और तापमान का मान क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो क्या आएगी, गुप्त ऊष्मा, मतलब क्यू बराबर एम एल। इस कंडीशन में क्या होगा, जल से जल, मतलब अवस्था क्या है, समान है, और तापमान का मान अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, क्यू बराबर एम एस थीटा। और आगे चलते हैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो तापमान समान है और अवस्था बदल रही है, ठीक है, जल से क्या हो रहा है, जल वाष्प हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्यू बराबर एम एल। अब तो कुछ है ही नहीं मुश्किल वाला काम, फॉर्मूले अपन ने लिख लिए, मान रखने हैं। देखो, एम द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे 5 है। एस का मान जब ग्राम में दिया हो, सेंटीग्रेड में दिया हो, तब एस का बर्फ है ना, तो 1/2 लेंगे, 1/2 लेंगे, ठीक है। और थीटा का मान कितना है, टेम्परेचर कितना अंतर है, -50 से 0 तक 50 का, तो ये 50 लिख दिया। 2 से ये कटा कितनी बार, 25 बार, और 25 और किस में आएगा, कैलोरी में। यहाँ तक अपने को कितनी ऊष्मा खर्च करनी होगी, 125 कैलोरी। अब यहाँ पे चलते हैं, क्यू बराबर एम एल, एम का मान कितना, 5 ग्राम, और बर्फ के गलन की, बर्फ क्या हो रही है, यहाँ पे गली तो रही है, मतलब पिघल रही है, तो इसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 होती है, तो 8 × 5 = 40, तो यहाँ पे क्या आएगा, 400
कैलोरी। अब यहाँ पे देखो क्यों बराबर है एमएस थीटा, तो यहाँ पे एम का मान कितना, वही 5 ग्राम। और जल के लिए विशिष्ट उष्माधारिता का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1। और थीटा तापमान का अंतर, कितना अंतर है 0 से 100 के बीच में तापमान का अंतर, 100, तो ये कितना आया, 500 कैलोरी। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अवस्था बदल रही है, तापमान अपना क्या है, समान है, तो Q बराबर ML, M का मान कितना, 5। और बर्फ के लिए तो कितनी होती है, 80 होती है, क्या, गुप्त ऊष्मा। और जल के जलवाष्प की, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 540 होती है। ये 0, 5 चौक 20, 0, 2, 5 25 और 2 27, ये कितने आ गए अपने, 2700 आ गए। तो टोटल अपना इन सब का अपन क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, कुल अपने को कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी, 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जलवाष्प में बदलने के लिए कुल अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊष्मा की जरूरत होगी, मतलब 125 ये प्लस 400 ये प्लस 500 ये प्लस 2700 ये, और इन सब का टोटल ही क्या होगा, आंसर होगा। और ऐसे टुकड़ों में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, 5 ग्राम बर्फ को पूर्णता पिघलने के लिए कुल कितना कार्य करना होगा, 400 कैलोरी। 5 ग्राम जल को जिसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको जलवाष्प में बदलने के लिए कुल कितना कार्य करना होगा, 2700 कैलोरी। अब देखो एक बार मात्रक बता देता हूं एक साथ ही, ऊष्मा द्रव्यमान और तापमान, इनके दोनों मात्रक तुम्हें ध्यान में रखने हैं, एक तरफ अपन लिखते हैं एसआई मात्रक और एक तरफ लिखते हैं सीजीएस मात्रक। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। और ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सी से क्या याद आएगा, कैलोरी, तो क्या होता है, कैलोरी होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी, ठीक है। और द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम। इसी प्रकार टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। और टेम्परेचर का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, इससे अगली क्लास में अपन और बहुत सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और पिछले 2 टॉपिकों से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।